गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल सो होप यू आर ऑल आप सभी अच्छे हैं आशा करता हूँ और अच्छे होना भी चाहिए सो टुडे आई स्टार्ट विद न्यू टॉपिक्स स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ डी डी टी साइरिन बी एच सी एंड क्लोरामिन एक एक-एक सीक्वेंस में हम ये सभी की स्ट्रक्चर्स प्रिपरेशंस एंड यूजेस पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे सब पहले स्टार्ट करते हैं हम डी डी टी से किससे स्टार्ट करते हैं डी डी टी से ठीक है तो डी डी टी क्या होती है डी डी टी स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाईफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देखते होंगे कि दो बाइफिनाइल सब्स्टिट्यूट है और बीचों बीच में क्या है कार्बन चेन है ठीक है तो डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन इसका फुल फॉर्म ठीक है ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये कलरलेस होता है ऑर्डरलेस होता है ठीक है टेस्टलेस होता है अब डीडीटी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होती है ठीक है तो डीडीटी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या ले लेंगे क्लोरोबेंजिन ले लेंगे क्या ले लेंगे क्लोरोबेंजिन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ़ क्लोरोबेंजिन ठीक और इस क्लोरोबेंजिन की रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाएंगे क्लोरल से किससे करवाएंगे क्लोरल से ठीक है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजिन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजिन की हम क्या करवाएंगे रिएक्शन प्रोसेस करवाएंगे क्लोरल से किससे करवाएंगे क्लोरल से ठीक है तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन क्या बनेगा ठीक है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पर क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा क्लोरोबेंजीन से तो रिएक्शन ही करा रहे टू मोलिकुल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाया हमने क्लोरल से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और कैसा सल्फ्यूरिक एसिड होने चाहिए कंसेंट्रेटेड या डायलोट इट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसनट्रेटेड क्या होना चाहिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन टू मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाया किससे क्लोरल से सी सी एल थ्री सी एच से ठीक है तो क्या बना हमारा डी डी टी डी की स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो बाईफिनाइल दो है और फोर्थ पोजीशन में क्लोरीन है और उधर अगर क्लोरीन देखेंगे तो एक कार्बन से तीन क्लोरीन अटैच है तो ट्रिपल वन 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 ट्राई क्लोरो टू टू, टू टाई फोर क्लोरोफिनाइल इथेन इसका नाम क्या है डी डी टी वन 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 ट्राई क्लोरो टू टू डाई फोर क्लोरोफिनाइल इथेन इसको क्या बोलते हैं डी डी टी ओके फर्दर जब हम डी डी टी की अप्लीकेशन की बात करते हैं तो डी डी टी का मेन बेसिक फंडा क्या होता है इट इज यूज फॉर इंसेक्टिसाइड यूज एस एन इंसेक्टिसाइड और ये क्या हो जाता है ऑल्सो यूज फॉर ए बेसिक पर्पज फॉर ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट मॉस्किटो रिपेलेंट ठीक है और इट इज यूज ऐसे पेस्टिसाइड पेस्टिस टू कंट्रोल इंसेक्ट ठीक है तो बेसिक फंड है इंसेक्टिस पेस्टिसाइड्स मॉस्किटो रिपलेंट और क्या हो जाता है जो प्रीवियस जो वर्ल्ड वार हुए थे उस टाइम पे यूज किया गया था बेसिकली डीडीटी डी के लिए टू तो कंट्रोल द मलेरिया टू तो कंट्रोल टाइफस टू तो कंट्रोल बॉडी लाइस एंड टू तो कंट्रोल दोबोनिक प्ले ये होता है बेसिक अप्लीकेशंस ऑफ डी डी टी अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स बीएससी। बी एस सी कहाँ टूवर्ड्स बी एस सी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ठीक है तो बी एस सी तो बेंजिन हेक्साक्लोराइड में हमने देखा कि इट इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन किसका आइसोमर है हेक्सेन जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या के? है सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स कार्बन छ हाइड्रोजन छोरिन छ इसीलिए क्या बोल रहे हैं छ क्लोरीन हेक्साक्लोरो और सी सिक्स एच सिक्स है तो साइक्लो है क्या है सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स ठीक है अब आई पी ऑफ बेंजीन क्या है बी एच सी क्या है आई पी एस सी नेम बिन हेक्साक्लोराइड का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः क्लोरीन है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सा क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन ठीक है इसकी जैसे ही हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो वहाँ पे आई आएगी आपकी इट इज़ ऑल्सो नोन एस बी एस सी को दूसरे नाम क्या जानते हैं लिंडेन नाम से किस नाम से लिडेन या फिर हेक्सा क्लोरीन अब इसकी प्रिपरेशन मेथड के लिए हम क्या कर जाते हैं सबसे पहली चीज़ कि इसको बनाते कैसे हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन किससे हमने करवाया सबसे पहली चीज़ तो क्लोरीन से थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ठीक है तो बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन प्रोसेस करवाया और कैटलिस्ट क्या होगा कैटलिस्ट क्या होगा देखिए कैटलिस्ट यहाँ होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बेंजीन की रिएक्शन करवाया थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ठीक है अब बी एच सी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की यूजेस की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली इट इज ऑल्सो यूज एस एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स क्या होता है एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज कर जाते हैं और इसका बेसिक यूज क्या किसमें कर सकते हैं टू टर्मिनेट्स वाइट एंड्स लीफ हॉपर टर्माइड्स एक्सेट्रा वाइट एंड्स जो सफ़ेद वाली चीटियाँ रहती हैं लीफ हॉपर्स और टर्माइड्स को दूर भगाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका यूज़ बी एस सी हेक्सा क्लोराइड ठीक है अब चलते हैं सैकेरिन की दुनिया में तो नाम से समझ में आ रहा है सैक्रेन शक्कर से किससे शक्कर और शक्कर क्या होती है शक्कर क्या होती है हमेशा मीठी होती है। कैसी होती है मीठी होती है सो सैक्रेन इज यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर शुगर इन फूड्स सैक्रीन का यूज क्या कर करेंगे ऐसे रिप्लेसमेंट फॉर शुगर इन फूड्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मली सुगर का शॉर्टेज रहता है शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसके लिए हम क्या कह जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे क्या है सैक क्या है सैक ठीक है रिप्लेसमेंट फॉर शुगर इन फूड फॉर डायबिटिक केसेस ठीक दूसरी चीज़ इसकी प्रिपरेशन मेथड कैसी होती है प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे तो देखिए हमें क्या बनाना है सैकेरिंग तो हमने क्या ले लिया टॉल्यून क्या लिया टॉल्यून और टॉल्यून की रिएक्शन कर पाया किससे क्लोरसल्फोनिक एसिड किससे करवाया क्लोरसल्फोनिक एसिड तो जब क्लोर सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाया टोल्यून से तो या तो फिर ऑर्थो पोजिशन में या फिर पैरा पोजिशन में ठीक है और यहाँ पे की कार्बन क्या है टोल्यून का सी एस थ्री वाला तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में क्या जुड़ जाएगा एस ओ टू सी एल एस ओ टू सल्फोनिल क्लोराइड एस ओ टू सी एल ठीक है तो ये जुड़ गया अब हमने क्या किया है? उसमें फर्दर रिएक्शन करवाया जो इंटरमीडिएट एसओ टू सी एल वाला बना टॉलीउन में ऑर्थो तो एंड पैरा पोजिशन में तो हमने क्या कर दिया उसकी रिएक्शन किससे करवाई अमोनिया से किससे करवाई अमोनिया एन एच थ्री तो फर्दर क्या बन गया ऑर्थो तो पोजिशन में एसओ टू सी एल सी एल क्या हो गया वहाँ पे जा कर के एच सी एल बाहर हो गया और बचा क्या एन थ्री की जगह एन एच टू तो एस टू एन टू ठीक है फर्दर फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया ऑक्सीडेशन करवाया तो एसओ टू एन एच टू की जगह कहा जाता है सल्फोथाया थॉल ठीक है सल्फो थो जॉल एड हो गया ठीक है तो ये क्या हो गई आपकी सैकेरिन की स्ट्रक्चर्स इज इट क्लियर फिर इसके बाद सैक्रीन का बेसिक यूज़ किस में कर सकते हैं चूँकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है तो पहली चीज़ ये क्या है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे शुगर की रिक्वायरमेंट है और बेसिक शुगर नहीं दे सकते हैं वहाँ पे हम सैक्रेन यूज़ कर सकते हैं और इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट केस ऑफ बेड गुड्स जो भी बेकिंग की करने वाले गुड्स प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक है खाने वाले और जैम्स चूंग गम कैंड फ्रूट्स जो कैंडी बना के वो करते हैं डेजर्ट्स टॉपिंग्स एंड सैलड ड्रेसिंग्स तो ये सभी चीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं सैरिम क्या यूज़ कर सकते हैं सैरिन ठीक है नाउ कम्स क्लोरामीन क्या आता है क्लोरामीन तो क्लोरामीन के केस में हम देखते हैं कि क्लोरामीन रेफर्स टू डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एमिज जहाँ की वन और मोर नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच हैज बीन फर्दर रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोराइड बॉन्ड एन सी एल बॉन्ड एन एच बॉन्ड की रिप्लेस किससे करेंगे एन सी एल बॉन्ड्स क्लोरामीन नाम से समझ में आ रहा है कि क्लोरामीन क्लोर एमीन क्लोरामीन तो एन एच को रिप्लेस करके क्या बनाएंगे एन सी एल बॉन्ड्स ठीक है दो कैटेगरी के, के होते हैं इनऑर्गेनिक क्लोरामीन्स होता है और ऑर्गेनिक क्लोरामींस इनऑर्गेनिक क्लोरामस में क्या आते हैं जैसे कि मोनोक्लोरामींस डाइक्लोरामीस और ट्राइक्लोरामींस ठीक है तो मोनोक्लोरोस का एग्जांपल है एनएस टू सी एल डाइक्लोरामीन का एग्जांपल क्या है एन एस सी एल टू और ट्राइक्लोरामीन का एग्जांपल है एन सी एल थ्री क्या है मोनोक्लोरामीन्स एन एस टू सी एल डाइक्लोरामीन एन एस एन एस सी एल टू और ट्राइक्लोरामीन एन सी एल थ्री मोनोक्लोरामीन इज ऑफ़ ए ब्रॉड सिग्निफिकेंस एस ए डिस मोनोक्लोरामीन क्या हो जाता है डिस फॉर वाटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है ऐसे ब्रॉड सिग्निफिकेंस ऐसे डिस इनफेक्टेंट फॉर वाटर अब हम क्लोरामीन की जो बेसिक प्रिपरेशन मेथड होती है तो सबसे पहले हम इसमें क्या चाहिए है? हमें सेकेंडरी एमीस क्या चाहिए सेकेंडरी एम्स आर टू एन एच होता है सेकेंडरी अमीन तो ये सेकेंडरी एम्स की हम रिएक्शन करवाए किसे, से करवा किसे करवा ब्लीच से करवाए किससे करवाए ब्लीच यहाँ ब्लीच क्या है एन ए सी एल क्या है एन ए सी एल ये ब्लीच है ये ब्लीचिंग एजेंट की रिएक्शन करवाया हमने सेकेंडरी एम एच आर टू एन एच तो क्या बन गया आर टू एन सी एल और एन ए ओ सी एल का एन ए बाहर हो गया एन ए ओ और एच वहाँ से आ गया तो क्या बन गया एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर सिमिलरली और दूसरी एक मेथड है प्रिपरेशन करने के लिए तो हमने क्या कर दी वहाँ पे हमने क्या कर दी टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड ले ली टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड और उसकी रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाई हमने सेकेंडरी एमीन से किसे करवाई सेकेंडरी एमीन से तो भी हम क्या बना सकते हैं आर टू एन सी एल क्लोरामींस क्या बना सकते हैं आर टू एन सी एन एन सी एल क्या है क्लोरामींस ठीक है अब क्लोरामींस की फर्दर फर्दरिक बेसिक अप्लीकेशन क्या होता है इट इज ऑनसो नोन है सेकेंडरी सेकेंड्री एजेंट्स और नाम से समझ में आ जाता है तो डिसइनफेक्टेंट्स के रूप में कह सकते जाते हैं विच इज़ फर्दर यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर जो कि ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने के लिए काम में आ सकता है ठीक है।, है तो जब ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने में आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोज वाटर विच मीड्स ई पी ए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स तो वो सेफ काई के लिए होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज फॉर कुकिंग पर्पज एंड फॉर बाथिंग पर्पज ओके सो आज के लिए बस इतना ही फर्दर वी सेल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर्स ओके थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट